बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, आज मैं दही भल्ले बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें व्यूअर्स मैं ना थोड़ा सा, दो चुटकियाँ ज़ीरा, आधा चम्मच नमक का, ये बाद में चख लेंगे ना व्यूअर्स। ये अब जी हो गया, ये देखें 3/4 मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा। ठीक हो गया व्यूअर्स, नमक भी डाल गया और ज़ीरा भी डाल गया। और ये देखें व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मैं ना फूड कलर डाल रही हूँ, ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा पल्लियाँ का सोना। ये देखें व्यूअर्स, एक कटोरी बेसन है ना, तो ये देखें व्यूअर्स, बस इसमें कोई कमाल नहीं है व्यूअर्स। दही भल्ले बनाना हर कोई बना सकता है, पता है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको फेंटा लगाना है। वो वाला फेंटा नहीं जो बंदों को लगता है पुलिस वाले लगाते हैं, नहीं व्यूअर्स, ये जो है ना प्यार का फेंटा, ये वाला। बस ये ज्यादा, जितना ज्यादा फेंटेंगे ना व्यूअर्स, उतने हमारे जो दही भल्ले हैं ना वो मजे के बनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये जो है ना, ये फेंटी जाना है, ये मैंने फेंट लिया ना थोड़ा सा व्यूअर्स, पाँच मिनट मैंने फेंट के ना व्यूअर्स, मैंने इसको आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद मैंने इसको फिर फेंटना है, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। चलें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया इस बेसन को पड़े हुए। ठीक है, अब इसको फेंटा चल लगाना है। ये देखें व्यूअर्स, इसको फेंटा लगा के ना व्यूअर्स, इसको ना अच्छी तरह फेंटना है। बस इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फेंटने का काम है व्यूअर्स। आपने फेंटे होंगे, आपके भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे, बेसन भी अच्छा होना चाहिए व्यूअर्स। मैं ना पेशावर जब गई ना, अब पीछे दिसंबर में, जाहिर है मैं पेशावर की रहने वाले पठान है हम लोग, तो व्यूअर्स ये मैं जब पेशावर गई ना, तो मैंने अपनी भाभी से कहा चलो जी दही भले बनाओ, तो उसने मेरे लिए बनाए दही भले, तो उसके बड़े अच्छे बने। हमारे इतने अच्छे नहीं बनते जितने उसके जायका और मजे के बने, भाभी मेरी के ना। तो व्यूअर्स मैंने उसे कहा तुम्हारे इतने अच्छे क्यों बने, मैंने अपनी भाभी से कहा, तो वो कहने लगी कि बेसन में मसला होता है आप लोगों का। बेसन हमारा यहाँ का दो किस्म के बेसन होते हैं, मैं कहा बेसन भी दो किस्म के होते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन अच्छी तरह फेंटा गया, भाभी ने बनाए तो वो मैंने खाए तो वो बहुत मजे का टेस्टी है, कहते बेसन में होता है मसला सिर्फ। तो चले व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से आप खूब फेंटा इसको लग गया, पहले भी लगे आधा घंटा ये पड़ा रहा है, अब आधे घंटे बाद इसको और फेंटा लगा है। तो चले जी, अब इसको मैं अब फ्राई करूंगी, अब बताती हूँ आपको आगे। व्यूअर्स मैंने एक छोटा सा, ये देखिए आप, फुल्की सी डाली है, तो वो फूल के कितनी प्यारी बन गई है, ये देख रहे हैं आप। तो ये सिर्फ फेंटने की वजह से, और इसको टाइम दिया आधा घंटा रखा, तो ये हर कोई बना सकता है व्यूअर्स। ये देखें, ये इधर देखें मेरे तरफ, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें इतना पतला ये होना चाहिए। तो चलें बाकी के डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पर के ये बड़ा डोंगे वाला व्यूअर्स मैंने चम्मच ले लिया है, ये देखें जी, ये देखें जी, ये बन रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे, देखें बाजार की तरह बड़े बड़े फूले फूले, ये देख रहे हैं। कोई डिजाइनिंग का कोई मसला नहीं है कि हमने बहुत स्पेशल गोल करने हैं, हो गए हैं गोल भी हो गए हैं व्यूअर्स। ये फुल्की निकाल दो, ये तैयार हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, पहले मैंने आंच तेज रखी थी, अब जरा मैंने हल्की कर दी है, क्योंकि हल्की जरूरी है व्यूअर्स, ये जलते हैं ना फिर इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे प्यारे से बन गए हैं ये व्यूअर्स। आप ये देख रहे हैं मेरी कढ़ाई में बस इतने आ गए हैं, तो हिलाने के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए ना व्यूअर्स, जगह होनी चाहिए। ये अब मैं जरा नई नई उल्टाने लगी हूँ, ये देखिए मतलब फूल के, ये देखें खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं ना व्यूअर्स, तब आप समझ लो कि ये हमारा बैटर जो है ना बिल्कुल अच्छा बन गया। ये देखें व्यूअर्स, बेसन का अपना कलर तो सही होता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें येलो कलर डाल दिया है, इस वजह से कि ये कलरफुल अच्छे से बन जाए। ठीक हो गए व्यूअर्स, आप देख रहे हो कितने मज़े के बन गए व्यूअर्स, कोई मसला नहीं है। घर में ना कोशिश किया करो, एक दफ़ा ख़राब हो जाएंगे दूसरी दफ़ा अच्छे हो जाएंगे। आधी पौनी चम्मच ना, मैंने आधी चम्मच से कम थी मैंने बेसन डाला, तो ये देख रहे हैं आप। अब मैंने स्लो कर दिया ताकि ये बिल्कुल रेड ना हो, जले ना। चले व्यूअर्स, मैं अब आपको आगे बताती हूँ, ये थोड़े से हो जाए व्यूअर्स। ये जो है ना आप लोग ईद पे भी बना के तो रखें, ताकि मेहमान आए तो चले, नमकीन भी चीजें खानी चाहिए ना, मीठा तो चले गई। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से, ये देखें, देख रहे हैं इतने प्यारे से हो गए हैं ना, गोल्डन गोल्डन से। गोल्डन कलर तो इसलिए भी अच्छा आ गया ना व्यूअर्स, ज्यादा डार्क हो गए हैं कि ये मैंने इसमें ना फूड कलर येलो डाला। ये पल्ले तैयार हो गए हैं, अब इसको मैं, ये देखें व्यूअर्स, ये जो है ना मैंने बाउल में पानी ले लिया जिसमें मैंने भल्ले डालने हैं व्यूअर्स। इसमें मैंने
नींबू डाले हैं एक अदद पूरा फुल बड़ा साइज का, ये बड़े मजे की खटास आ जाती है उसके अंदर। और मैंने पहले वाला जो अपनी वीडियो बनाई है, मेरी एक और वीडियो भी दही वालों की बनी हुई है, उसमें मैंने सिरका डाला था तो उससे भी मजे के खटे खटे बन गए थे। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ये मैंने डाल दिया नींबू। तो अब ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एलो जी पल्ले आ गए ना, येलो येलो से लग रहे हैं ना, कितने प्यारे से वो फूड कलर डाला ना मैंने, मजे के बन। तो चले व्यूअर्स, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना थोड़े से 15 मिनट में हो जाएंगे, 10-15 मिनट में, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे इसका क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसे 10 मिनट हो गए मैंने रख लिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट और कितने मजे के बन गए। ये देखिए ऐसे ऐसे दबाना है तो पानी निकल आएगा। ये देखिए व्यूअर्स कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें टूटना शुरू हो गए, देख रहे हैं व्यूअर्स कितने सॉफ्ट हैं, मेरे हाथ लगाने से ना वो टूट रहे हैं। ये सारे हो गए तैयार माशाल्लाह से, ये देखिए जी, ये अब आपके सामने ना जी डोंगा तैयार करते हैं हम, ये देख लें, ये हो गए ना व्यूअर्स। चले ये देखें व्यूअर्स, अल्लाह तेरा शुक्र है भले तैयार हो गए। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने डालना है नमक, ठीक हो गया जी। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी सुरख मिर्च, ठीक हो गया जी। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला, ये जी चाट मसाला, ठीक हो गया जी। और अब जी क्या डालना है, अब डालनी है इसके ऊपर व्यूअर्स मैंने दही, ये देखें जी दही में ना मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना इसे पतला कर लिया व्यूअर्स। दूध डाल लें, क्रीम भी डाल लें अच्छी, और दही बनाने के लिए ना पल्लों के लिए जी क्रीमें श्रीमें सब कुछ डालें, दूध डालें। ये देखें जी ये हो गया व्यूअर्स, चलें जी ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी, ये देखें व्यूअर्स अब इसके ऊपर ना, ये देखिए मेरी ये जो मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ ना व्यूअर्स, ये मेरी ना वीडियो लगी हुई है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लें, देखें कितना प्यारा ग्रीन कलर आया हुआ है ना। पुदीना धनिया सब्ज़ मिर्च लहसुन और साथ मैंने मूंगफली डाली है ताकि ज़रा वो हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब इसके ऊपर मैंने व्यूअर्स ये मेरी ये वाली भी वीडियो लगी हुई है, ये जो मैं अब रेड चटनी डाल रही हूँ, ये देखें जी इमली की, सिर्फ इमली की है व्यूअर्स, ये देखें कितने प्यारा कलरफुल आई है। ये हो गया व्यूअर्स, अब इसके ऊपर देखें व्यूअर्स थोड़ा सा चाट मसाला फिर छिड़कती हूँ। देखिए अब इसके ऊपर मैं डालूंगी, ये हो गए प्याज, ठीक है, और ये हो गए व्यूअर्स आलू। ये जी अब प्लेट तैयार हो रही है दही पल्ले, रोज़ा खोलना है ना व्यूअर्स। तो ये देखें जी मेरी पसंदीदा और इतनी प्यारी चीज़ है ना, ये जो मकरोनी आ गए अब इतने पसंद है ना व्यूअर्स मुझे, कि मैं आपको बता बता के थक गई हूँ कि मुझे इतने पसंद हैं। बस आप लोगों ने जब मुझे बुलाना हो ना तो व्यूअर्स कहें आ जाए जी, आज नूडल ते मकरोनी पक गए थे तुम आ जाओ। चने भी हैं ना व्यूअर्स, चने भी मैंने बॉयल कर लिए थे नमक डाल के और मिर्चें डाल के थोड़ी सी, तो इससे ज़रा जायका अच्छा बन जाता है चनों का। लो जी व्यूअर्स आपका ये डोंगा तैयार हो गया माशाल्लाह से, ये मेरा बेटा जो है ना कैमरे मैन शानी, ये अब उसका डोंगा तैयार हो गया जी, उन्हें रोज़ा खोलना है इसके साथ। ये हो गया व्यूअर्स, फिर दही डाल देती हूँ, फिर ऐसे चाट मसाला डाल देती हूँ। टोल पुख्ता ना तो डेरा डेरा सलमुना दानन दही भले जोड़ो माँ और द पेखावर तरीके सारा जोड़ो माँ व्यूअर्स, ये पेशावर के तरीके से मैंने बनाए हैं। ये मैंने चाट मसाला छिड़क दिया और ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सबस ग्रीन चटनी भी लगा दी, देख रहे हैं व्यूअर्स ये चटनी इतनी प्यारी कलरफुल ऐसी रहनी है, चाहे एक हफ्ता महीना भी पड़ी रहे ना व्यूअर्स, इसका कलर ख़राब नहीं होना। फिर इसके ऊपर मैं डालती हूँ इमली की चटनी, ये देखें जी व्यूअर्स, एर लो जी कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। ये व्यूअर्स आप लोग बना के रख लिया करें, ये इतनी कीमती चीज़ें नहीं हैं, अच्छा व्यूअर्स ये सस्ती बन जाती हैं, और ना ही कोई इतनी सेठ मैं हूँ जो इतनी चीज़ें बना रही होती हैं व्यूअर्स, हम लोग बस दरमियाने तबके के लोग हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सानिया करे, अल्लाह मदद करे। तो ये देखें व्यूअर्स लें जी माशाल्लाह से, ये हमारा शानी शाही जो है ना, ये उसका अफ्तारी का डोंगा तैयार कर दिया मैंने व्यूअर्स। तो चलें व्यूअर्स सलामत रहें, आप लोगों में जिसने खाने हैं वो भी आ जाएं जी, मोस्ट वेलकम, बहुत ही मज़े के हैं। अभी हम पेशावर गए थे रिसेंटली, तो वहाँ पर भी मैंने ना रमज़ान से पहले गया था, तो वहाँ पे भी हमने खाए थे, तो बहुत ही मज़े के थे। शाबर सदर में वहाँ पे रेडी लगी हुई थी, बहुत मज़े के थे, उनका टेस्ट बहुत सेल होती थी उनकी। ढोल पुख्तानों तसलामुना और खुशहाल उसी बाहर है चाहे पाकिस्तान के ही, दर्जी जमा वीडियो गोरी पुख्तानों इज्जत सवाल दे, लाइक करो सब्सक्राइब करो, इस जमा वीडियो था
और दा गोरी जी नन दोनों खुले सीज में जोड़ को चले व्यूअर्स, मैंने पठानों को कह दिया कि मैंने दही भल्ले बनाए हैं और सलाम कर दिया है। चलें जी, बाहर देखने वाले पाकिस्तान में खुश आबाद सलामत रहें, खाते पीते रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। जो इंडिया वालों ने मेरी वीडियो देखी है तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, वो भी सलामत रहें, शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये देख रहे हैं आप, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ और तो बड़ी खुशी होती है। इतनी व्यूवर्स, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन मेरा ये जो कैमरामैन बेटा है ना, ये माशाल्लाह मुझे बताता है अम्मी आपको किसी ने ये बता कहा है, ये कहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा दिल खुश बाग बाग होता है। तो चलें व्यूवर्स, आप लोग सलामत रहें देखने वाले। अल्लाह हाफिज़।